Good morning everyone. Once again I welcome you all on Wi-Fi Study UPSC where changing the way of learning is our motto. चलिए अभी हम लोग चर्चा का जो विषय है वो है शाहीन बाग के बाग का मुद्दा, जहां जो प्रोटेस्ट चल रहा है एंटी CAA को लेकर, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर. आप जानते हैं कि पिछले दो महीने से लगभग जो सड़क कनेक्ट हो रही है शाहीन बाग जो दिल्ली से लेकर नोएडा की तरफ फरीदाबाद की तरफ, वहाँ पर में प्रोटेस्ट चल रहा है. इस प्रोटेस्ट के होने की वजह से जो है सो यातायात काफ़ी प्रभावित हो गया और इसके कई और इम्पैक्ट देखने को मिले हैं. इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे. इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL को एंटरटेन करते हुए ये कहा है कि धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना आपके मौलिक अधिकारों में शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपने जो यातायात के जो मार्ग है, जो रूट है, उसको आप जाम कर दें और लोगों को बेवजह इससे जो परेशानी हो रही है, आप बिल्कुल विरोध करें, ये आपका मौलिक अधिकारों में से. मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि विरोध करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन इसकी वजह से सड़कों को जाम करना ये आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है. और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, 3 वार्ताकारों की समिति बनाई है. जो लोग क्या करेंगे, जो शाहीन बाग के जो लोग हैं, जो धरना प्रदर्शनकारी हैं, वो क्या करेंगे, अपनी बातों को लेकर उनसे वो बात करेंगे. अगर ये मसला इस 3 सदस्यों के द्वारा अगर नहीं सेटल होता है तो ये मामला फिर अथॉरिटी के पास चला जाएगा और हो सकता है कि फिर बाद में कोई एक्शन भी गवर्नमेंट ले सकती है ताकि वहाँ पर फ्री मूवमेंट हो सके, क्योंकि इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. क्योंकि एक तो दिल्ली का जो कम्यूटेशन है वो काफ़ी डिले होता चला जा रहा है. ठीक है, धरना करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आपके मौलिक अधिकारों में से है, सुप्रीम कोर्ट का कहना मेरे विचार नहीं है. सो आपके ये क्या है, अधिकारों के अंतर्गत आता है. दूसरी बात क्या है कि इससे होता क्या है कि जो रोड जैम्स वगैरह है, मतलब जो ट्रैफिक का जैम है, वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा है. क्योंकि इससे पहले जो फरीदाबाद से लोग नोएडा की तरफ जा रहे थे, उन सारे लोगों को दिल्ली से होकर कवर करके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक तो टाइम का वेस्टेज होता है, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ होता है. क्योंकि जितनी गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसेंगी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ेगा. तो इस धरने की वजह से हमारे यहाँ केवल और केवल सोशल इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है. क्योंकि फ्यूल अगर आपका जलता है तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में भी आता है और इन्वायरमेंटल भी एक थ्रेट आपके सामने नज़र आता है. तो आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग स्लाइड्स को लेकर के. ये दिस इज माई कोड पवन 10 अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए. आज ये देखते हैं क्या है. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है, ये जो डोम आपको दिख रहा है दैट इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बिहालिया बयान जो आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी सड़कों को ब्लॉक करके लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते. उनका ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है. ठीक है, ये आप देखेंगे कि शाहीन बाग का एक इमेज है जहाँ पे ये पूरी तरीके से रोड की ब्लॉकिंग की गई है, रोड पे जो आवागमन वो बिल्कुल बंद है और कुछ एक लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे जो बिल्कुल यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से. सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कानून है और लोगों के उसके खिलाफ शिकायत है, मामला अदालत में लंबित है, इसके बावजूद कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन आप सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार है, विरोध का अधिकार है आपके पास, लेकिन आप सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते. ऐसे क्षेत्र में अनिश्चित समय तक प्रदर्शन नहीं हो सकते. अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर होना चाहिए. ठीक है, मैंने आपको कई बार ये पढ़ा रखा है कि अगर आप कहीं पर कोई असेंबल हो रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, वहाँ अथॉरिटी से, पुलिस अथॉरिटी से या प्रशासन से एक स्पेस मांगना होता है और वहीं जाके धरना प्रदर्शन आप करेंगे. ऐसा नहीं कि सार्वजनिक स्थल है कोई भी, अगर वहाँ से किसी तरीके की कोई अगर समस्या अगर उत्पन्न होती है तो आपको उसको रोका जा सकता है. धरना प्रदर्शन के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आपके मौलिक अधिकारों में है, लेकिन अगर आप सड़कों पर ऐसा कर रहे हैं जिसे अन्य लोगों के अधिकारों का अगर हनन होता है तो आपको यहाँ से क्या किया जाता है, विस्थापित भी किया सकता है. ठीक है ना, सो यह प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित स्थान होना चाहिए. इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, दरअसल नागरिक संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में हजारों लोग दिसंबर 2019 से सड़क संख्या 13A जो मथुरा रोड से कालिंदी कुंज पर बैठे हुए हैं, यह मुख्य सड़क दिल्ली को नोएडा फरीदाबाद से जोड़ती है. आप ये सोच सकते हैं कि दोनों जो इलाका है नोएडा और फरीदाबाद वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाईली डेंसिटी का है और लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन इनफैक्ट मैं कहूँ लाखों की संख्या में लोग इधर से कम्यूटेशन करते हैं अपने रोजगार के लिए, आना जाने के लिए. ठीक है, तो कितनी असुविधा हो सकती है आप समझ सकते हैं. दूसरी बात कि कई बार एम्बुलेंस वगैरह के लिए भी, कई जो एसेंशियल सर्विसेज के मूवमेंट के लिए भी काफ़ी समस्याएँ आ रही हैं.
सो दिल्ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ती है और ये रोड संख्या कितनी है 13A और रोजाना लाखों लोग आवाजाही में इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। आप ये देखेंगे शाहीन बाग का इमेज आपको दिख रहा होगा, यही सड़क पूरी तरीके से ये ब्लॉक्ड है, ये टुवर्ड्स नोएडा मूव कर रही है, दिस इज टुवर्ड्स नोएडा, ठीक है, और जो इधर से है ये आ रहा है टुवर्ड दिल्ली से, ठीक है, और यहीं से फिर ये इस तरफ पैरेलली अगर आए तो दिस इज योर फरीदाबाद से लोग आते हैं फरीदाबाद से, ठीक है। सो ये फरीदाबाद हो गया, ये दिल्ली हो गया और दिस इज योर नोएडा, ठीक है। दिस इज द कितना इंपॉर्टेंट रूट है, कितना वाइटल रूट है आप समझ सकते हैं, और ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजेक्ट CAA, NPR और NRC, दिस इज द स्लोगन एंड दिस इज द देयर रीजन ऑफ अपोजिशन प्रोटेस्ट रादर। नेक्स्ट आ जाइए, पहले भी अर्लियर इन दिल्ली हाईकोर्ट ऑन January 13 ये कहा था हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वॉज फाइल डिमांडिंग दैट द प्रोटेस्टर्स सिटिंग ऑन द रोड इन शाहीन बाग बी रिमूव्ड एज अ कॉमन पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दिस नॉट ओनली कीप्स पीपल स्टक इन जैम्स फॉर मेनी आवर्स बट फ्यूल वेस्टेज एंड पॉल्यूशंस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये बात मैं कह रहा था, इससे लोग केवल और केवल जाम में ही स्टक होते हैं बल्कि फ्यूल का भी वेस्टेज होता है और पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, समय की भी काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हो रही है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जाम का नज़ारा देख सकते हैं, दिस इज़ अ ट्रू सीन। ये आप घंटों आप यहाँ पर लगे रह सकते हैं। इनफैक्ट इवन आई वॉज स्ट्रक येस्टरडे इन सच अ काइंड ऑफ जैम, आई हैव टू मूव टू द हॉस्पिटल एंड आई वॉज ऑलमोस्ट 1.5 hours आई वॉज इन द ट्रैफिक, मतलब बिना किसी कारण से ऐसे ही खड़े रह गया। सो दिस इज़ द कंडीशन। आप सोच रहे हैं किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो कैसे मूव कर सकता है, कुछ एसेंशियल गुड के अगर मूवमेंट की बात है तो कैसे हो सकता है, यू कैनॉट इमेजिन कि यहाँ फ्री फ्लो हो सकता है जब तक ये रोड ओपन नहीं होता है। सो दिल्ली पुलिस हैड अपील टू द प्रोटेस्टर्स टू विदड्रॉ फ्रॉम द रोड बट दे हैव नॉट एग्रीड एंड परसिस्टेंट आफ्टर दिस एडवोकेट अमित शाहनी, ये जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, शानी वाइल मूविंग द अपेक्स कोर्ट फाइल्ड अ SLP दैट इज कॉल्ड स्पेशल लीव पिटीशन। द पिटीशन हैज प्राइमरली स्टेटेड दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट, ध्यान दीजिएगा यहां पे, इट इज अ फंडामेंटल राइट फॉर अ सिटीजन टू परफॉर्म एंड इट कैनॉट बी डिनाइड इन डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी कि प्रदर्शन करना आपके मौलिक अधिकारों में शामिल है और इसको डिनाई नहीं किया सकता है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। बट द प्रोटेस्टर्स हैव नो राइट टू परफॉर्म at their own place so that the lives of the millions of the people are affected, such a demonstration cannot affect the right of a common people to pass through the road, theek hai na, aapke paas ye right hai but it cannot affect the right of a common people to pass through the road and no such demonstration can be allowed to continue indefinitely, kyunki ye dharna pradarshan kaise chal raha hai, anishchit kal tak ke liye chal raha hai, it is going indefinite period. So this is the judgment of the supreme court. Ab dekhte hain ki kaun kaun se log hain. The judges of the Supreme Court made it clear that there is a complete freedom of expression of ideas. आप क्या है, आपके पास expression of ideas का freedom है in democracy. But for this, also there are some rules and their attention is also necessary. Therefore, the court appointed eminent lawyers, इसको श्री संजय हेगड़े और श्रीमती साधना रामचंद्रन as arbitrator, ठीक है। इसके अलावा CIC जो हमारे जो फॉर्मर CIC रहे हुए हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हुए हैं वजात हबीबुल्ला साहब, उनको भी इसमें क्या रखा गया है, इसमें आर्बिट्रेटर के रूप में रखा गया है, वजाहत हबीबुल्ला इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स। सो तीन हो गए कौन, संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन एंड वजाहत हबीबुल्ला साहब, and said they should make efforts that the agitators should demonstrate at a place which does not block any public space and does not inconvenience anyone, cause inconvenience for anyone. So ye ho gaya aapka, so please isko dhyan mein rakhenge, this is your fundamental rights fundamental rights hai ye aapke paas dharna pradarshan ka, lekin isse aap kya karenge, free flow ka movement aap rok nahi sakte, आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। सो सुप्रीम कोर्ट का ये एकदम बिल्कुल क्लियर है, आर्बिट्रेटर की बात अगर ये नहीं समझते हैं इन तीनों के बारे में, संजय हेगड़े साहब, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला साहब के बारे में, देन इट विल बी गिवन टू द अथॉरिटीज, चाहे वो पुलिस अथॉरिटी हो या प्रशासन हो, कुछ भी हो, दे विल टेक एक्शन, राइट। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है ना, एंड द डिसीजन गिवन बाई द जुडिशरी। सो इफ यू
like this. Please don't forget to like and share it maximum, and don't forget the code if you wish to come on Unacademy subscription. I will do my best, but you do your best. चलिए फिर मिलते हैं शाम के 4 बजे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.